नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और ताज़ा खबरें, जी हां दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में मोदी सरकार की तरफ से कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने 1 लाख रुपये कमाने का प्लान जो है वो तैयार किया। आप भी मोदी सरकार की इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं, तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बड़ी योजना है। साथ ही दोस्तों 7 लाख नौकरियों पर मोदी सरकार जो है जल्द भर्ती करेगी, जिसमें दिल्ली पुलिस में 75,000 पदों पर नौकरियाँ होंगी। दोस्तों इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों को तथा कारोबारियों को, युवाओं को और बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी बड़े ऐलान कर दिए हैं, तो दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको सभी योजनाओं के और सभी सटीक जानकारी जो मिल पाए। तो साथ ही दोस्तों आपसे एक वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही वीडियो के नीचे एक छोटा सा लाल बटन दिया गया है, उसे दबाइए और उसके पास जो बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, क्या आज की बड़ी खबरें, सभी को बारे में जान लेते हैं। दोस्तों साथ ही हमारे चैनल पर एक गिव अवे भी चलाया जा रहा है, दोस्तों आप भी उस कॉन्टेस्ट में जो है वो भाग जरूर लीजिएगा ताकि आप भी जीत सकते हैं एक शानदार स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, 3 लकी विजेताओं को शानदार स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको सवाल का जवाब देना होगा, हम आपको थोड़ी देर में वो सवाल पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अपडेट निकल कर आ रही है कि SBI खाता धारक के लिए बड़ी खुशखबरी है, इस नियम में हुआ है बड़ा बदलाव, 42 करोड़ ग्राहकों पर सीधा पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके लिए काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अब से आपके खाते से 2 लाख रुपए, जी हाँ दोस्तों अगर आपका सरकारी बैंक में खाता है तो आप 2 लाख रुपए वहां से निकलवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, यह राशि आपको तथा जीवन यापन योजना के तहत जो है लोगों को, सभी लोगों को जो है मोदी सरकार दे रही है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही बड़ा ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है, तथा जीवन यापन योजना के तहत 2 लाख रुपए आप अपने खाते से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नया व्यापार करना चाहते हैं या फिर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं या फिर आप किसी भी और काम के लिए आप पैसा चाहिए तो आप 2 लाख रुपए आप अपने सरकारी बैंक से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के तहत और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने जो है सभी सरकारी बैंकों में जीवन यापन योजना को चालू कर दिया है, जिसके तहत आप आधार कार्ड दिखाकर ही 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों ये जो 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे दोस्तों, ये आपको 5 साल में वापस करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए आपको किसी भी सरकारी बैंक से मिल जाएंगे, 5 साल में आपको वापस करने होंगे और इस पर आपको दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, ये 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे, इस पर आपको किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, यानी आपको बिल्कुल 0 ब्याज पर ये पैसे जो है मोदी सरकार दे रही है। तो दोस्तों सरकार द्वारा इसकी सिर्फ 2 ही शर्तें रखी गई हैं कि आपके पास जो है सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सरकारी नौकरी होगी तो आपको जीवन यापन योजना के तहत जो 2 लाख रुपए नहीं मिल पाएंगे। और दोस्तों दूसरी जो शर्त होगी वो होगी आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप इन कंडीशन को पूरा करते हैं तो आपको किसी भी सरकारी बैंक से जो है जाकर आप 2 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं और आप उसे किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, और आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी होता है। वही दोस्तों आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर, अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा जो है वो अब बढ़ा दिया गया है और अब किसानों के खाते में आएंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो किसानों को मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन यानी चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने इसका लाभ जो है किसानों को देना शुरू किया था और 6,000 रुपये जो है 2,000 रुपये की किस्तों के रूप में, 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये मोदी सरकार ने सभी किसानों को देने का बड़ा वादा किया था, जो कि किसानों को दिए भी गए हैं। लेकिन दोस्तों अब इसमें मोदी सरकार एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इसका दायरा जो है मोदी सरकार बढ़ाकर इसे 18,000 रुपये करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सीधे 6,000 रुपये से 18,000 रुपये मोदी सरकार इसे करेगी और सभी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार इस योजना को लागू करने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 18,000 रुपये जो है वो हर किसान के खाते में हर साल मिलेंगे। तो दोस्तों काफी बड़ी योजना जो है किसानों के लिए, काफी बड़ा ऐलान मोदी सरकार ने किया है। साथ ही दोस्तों, जो लोग गरीब हैं और जो जिनके पास गरीबी रेखा वाला कार्ड होता है, उन्हें भी मोदी सरकार 6,000 रुपये अगले साल से देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी मोदी सरकार योजना तैयार कर रही है कि सभी जो गरीब लोग आते हैं जिनके पास राशन कार्ड होता है, उन्हें भी 6,000 रुपये उनकी आर्थिक सहायता के लिए दिए जाए। साथ ही मोदी सरकार जो है किसानों को 18,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, दोस्तों अगर आपने अभी तक लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आज ही आप आवेदन करिए और इस योजना का लाभ उठाइए। वही दोस्तों आपको बता दें आज की अगली बड़ी खबर, अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है कि तथा उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए बस करना होगा ये काम, तथा जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आपको बस ये काम करना होगा। दोस्तों उज्ज्वला योजना पूरे भारत में चलाई गई मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें आपको मोदी सरकार की फ्री में गैस कनेक्शन दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी को मोदी सरकार फ्री में गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन दे रही है। दोस्तों इसके लिए भारत का कोई भी नागरिक जो है अप्लाई कर सकता है। दोस्तों उज्ज्वला योजना क्या है, तो उज्ज्वला योजना के तहत आपको सरकार की तरफ से 1 चूल्हा और 1 सिलेंडर फ्री में दिया जाता है। दोस्तों 2014 से लेकर 2019
तक मोदी सरकार ने 8 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन बांट चुकी है, यानी 8 करोड़ लोगों को फ्री में मोदी सरकार ने गैस कनेक्शन दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब मोदी सरकार इसका दायरा बढ़ाना चाहती है और मोदी सरकार ने एक नया लक्ष्य रखा है जिसके तहत 16 करोड़ लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार फ्री में गैस कनेक्शन देगी आपको, तो दोस्तों आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, फ्री में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपके पास बस आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपकी आय जो है 20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आपकी 20,000 रुपये से कम मासिक आय है तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और मोदी सरकार की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में, आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री में चूल्हा और गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज ही आप उज्ज्वला योजना में आप अपना आवेदन करके इस योजना का लाभ जो है उठा सकते हैं। पूरे भारत में सभी 29 राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया है मोदी सरकार द्वारा। वहीं दोस्तों आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट निकलकर आ रही है कि तथा पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकानों का आकार जो है बढ़ाया जाएगा, राज्यसभा में उठी हम मांग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जाते हैं अब उन्हें और भी बड़ा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पक्के मकानों का आकार जो है वो बढ़ाने की मांग राज्यसभा में उठी और सरकार इसे जल्द लागू करने वाली है, यानी और भी बड़े मकान जो है बना कर देगी। दोस्तों तो 2 करोड़ लोगों को 2022 तक जो है मोदी सरकार पक्के मकान देने का वादा कर चुकी है, यानी सभी को पक्का मकान है। जो भी लोग किराए के मकान में रहते हैं या फिर कच्चे मकान में रहते हैं उन सभी को जो है मोदी सरकार पक्का मकान देने वाली है। दोस्तों ये जो पक्के मकान जो है अभी सरकार बना रही है शहरी और आवास और ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है रसोई शौचालय के साथ ही 30 वर्ग मीटर के पक्के मकान बनाए जाते हैं, लेकिन अब इसका दायरा जो है बढ़ाकर 50 मीटर करेगा, यानी और भी ज़्यादा बड़ा घर जो आपको सरकार देगी ताकि आपको रहने में सुविधा हो सके। और दोस्तों 2 करोड़ आवेदन जो है मांगे गए हैं सरकार द्वारा, 2022 तक सभी को जो है इस योजना का लाभ मोदी सरकार देने वाली है। तो दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाइए, आप भी इसमें आवेदन कीजिए। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है या फिर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको 2022 तक जो है सरकार देगी। और दोस्तों हर साल जो है सरकार आवेदन मांगती रहती है हर 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों बताते हैं आपको आज की अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि सरकारी विभागों में खाली पड़े हैं 7 लाख पद, अकेले दिल्ली पुलिस में 72,365 पद। जी हाँ दोस्तों, 72,365 रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं। तो दोस्तों मोदी सरकार जो है जल्द ही 7 लाख पदों पर आवेदन करने वाली है, जिसमें से 72,000 पद जो है दिल्ली पुलिस के भरेंगे। तो दोस्तों मोदी सरकार ने सभी तथा बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। दोस्तों अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 72,000 दिल्ली पुलिस के पद होंगे, साथ ही 7 लाख पद जो है पूरे भारत में निकाले जाएंगे। दोस्तों काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी बड़ी भर्तियां जो है ये होने वाली है। आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, अगर आप तैयारी करते हो गवर्नमेंट एग्जाम की तो आपके लिए काफ़ी बड़ी होगी ये सुविधा होगी, क्योंकि आंकड़ों को देखते हुए मोदी सरकार जल्द ही इन पदों को भरने की कोशिश करेगी। और दोस्तों रेलवे में भी 2.6 लाख पद खाली है 7 लाख में से, और जबकि दिल्ली पुलिस में 72,000 पद खाली है। और इसी के साथ ही जो है मोदी सरकार इस डाटा को दिखाते हुए जल्द ही इसके भरने की कोशिश जो है। आज का जो सवाल है दोस्तों वो है आपके लिए कि आधार कार्ड पर कितने अंक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड जो होता है वो कितने अंकों का होता है, उस पर कितने अंक छपे होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं या 14 होते हैं। तो आपको कमेंट करके सही जवाब बताना है। 3 सही जवाब बताने वाले लकी विजेताओं को मिलेंगे 3 वीवो के शानदार स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सही जवाब देते हो तो आप भी जीत सकते हो स्मार्टफोन। तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आधार कार्ड पर कितने अंक होते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं अब आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। छोटे उद्यमियों एवं स्टार्टअप के लिए तथा बजट में आ सकती है बड़ी घोषणा, सरकार से लाएगी अलग से नीति और बना सकती है 10,000 करोड़ रुपए का राज्य को। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जो है बजट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का अलग से एक कोष बनाएगी, जिसमें केवल तथा जो है लोन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें लोन देने के लिए सरकार जो है एक अलग से कोष तैयार करेगी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए होंगे। और दोस्तों आप इस नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, आप इसमें रोजगार सृजन करने के लिए जो है आप इसमें पूंजी ले सकते हैं, और आपको सरकार जो है बिना काफी कम ब्याज पर जो है इसमें आपको बहुत ही कम ब्याज दरों पर स्टार्टअप के लिए यह कोष बनाया जाएगा, और इसमें उपलब्ध ब्याज आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा, नहीं 10 से 15 दिन में आप इससे ब्याज ले सकते हैं। दोस्तों मोदी सरकार ने जल्दी इसकी घोषणा जो है वो कर दी है, लेकिन जल्दी इसको योजना को प्रारूप तैयार किया जाएगा और इस योजना को जो लागू किया जाएगा, आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर फिर इस योजना के तहत जो है आप लोन जो है वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट निकलकर आ रही है कि 15 से 20 दिनों में लॉन्च होगी नई योजना, किसान कमा सकेंगे 1 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए एक और बहुत ही बड़ी खबर आई है। अब आपको 1 लाख रुपये कमाने का मोदी सरकार जो है मौका दे रही है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जल्दी एक नई योजना लॉन्च करने वाली है, और इस स्कीम के तहत किसान अपने खाली खेत पड़ी हैं और खाली जो जमीनें पड़ी हैं उन पर सोलर पैनल जो होते हैं तथा सोलर पैनल जो होते हैं उन्हें स्थापित कर बिजली का उत्पादन कर कारोबार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसानों को जो है ये फ्री में सोलर पैनल जो है सरकार लगवा कर देगी, और जो बिजली आपके द्वारा पैदा होगी उससे आप 1 लाख रुपये महीने का कमाने का मौका जो है सरकार आपको दे रही है। और दोस्तों ये जो बिजली जितनी भी बनेगी 2 मेगावाट तक बिजली आप बना सकते हो, तो ये सरकार जो है आपसे खरीदेगी और सरकार इसके बदले आपको अच्छी खासी यूनिट पर यूनिट के हिसाब से पैसा देगी। तो दोस्तों मोदी सरकार इसकी योजना की घोषणा जो है वो 10 से 15 दिन में कर सकते। तो दोस्तों आप भी योजना का लाभ उठा
उठा सकते हैं और 10 से 15 दिन में इस योजना का जो है घोषणा हो जाएगी तो 1 लाख रुपए तक आप भी कमा सकते हैं। आप भी सरकार की इस योजना का फायदा जरूर उठाएगा। जल्दी ही 10 से 15 दिन में इस योजना की घोषणा होगी तो हम आपको वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। इसलिए आप हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियां और मिलती रहें। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने पर की जाएगी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, आप शिकायत कर पाएंगे और सरकार लाएगी टोल फ्री नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है या फिर निचले स्तर पर आर्थिक असमानता को कम करने के लिए मोदी सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का नया प्रारूप बनाने वाली है और न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत के निवारण के लिए आप टोल फ्री नंबर जो है वो दिए जाएंगे। सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी और इस नंबर पर आप अगर फोन कर शिकायत करते हैं तो आपको न्यूनतम मजदूरी के साथ ही आपको जो है पूरी आपकी मजदूरी दिलाई जाएगी, साथ ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, मोदी सरकार जल्दी टोल फ्री नंबर जो है जारी करेगी जिसके ऊपर आप फोन करके न्यूनतम मजदूरी जो है आप अपनी पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट है, किसान कारोबार और युवाओं और बुजुर्गों के लिए बजट में क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जो है बजट आम आदमी के लिए बजट लेकर आई है और इसमें सभी के लिए बड़ी उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद ही मोदी सरकार जो है इस बार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार से उम्मीद है कि वह हर वर्ग को अपने बजट से साधने की कोशिश करेगी। इसके लिए किसान कारोबार युवाओं को लेकर बुजुर्गों तक मोदी सरकार वो तोहफे दे रही है। दोस्तों, बजट में किसानों का जो कल्याण होगा यानी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उस पर ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, यानी किसी भी प्रकार का जो है किसानों को ब्याज नहीं दिया जाएगा। 1 लाख रुपये तक एक कर्ज बिना ब्याज के किसानों को देने का ऐलान मोदी सरकार कर रही है। वहीं दोस्तों, बिना गारंटी के 50 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो व्यापारियों को कारोबारियों को मोदी सरकार देने का ऐलान कर रही है। वहीं 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी कारोबारियों को मोदी सरकार दे रही है। वहीं दोस्तों, बुजुर्गों की बात करें तो यहां पर वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स स्लैम से दायरे से बाहर रखा जाएगा, यानी बुजुर्गों से मोदी सरकार जो है वो टैक्स नहीं लेगी। 80 साल की उम्र वालों को टैक्स की छूट की 5 लाख रुपए तक की संभावना है। इसी के साथ ही दोस्तों, युवाओं को जो है एजुकेशन लोन में राहत मोदी सरकार देगी और इसके लिए मोदी सरकार जो है प्रारूप तैयार कर बताएगी, नौकरियों के लिए अच्छे मौके निकालेगी, साथ ही कल से जुड़े हुए सामानों को सस्ता करने की मोदी सरकार कोशिश करेगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, लगातार 3रे दिन स्थिर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते लगातार 3रे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही हैं। दोस्तों, चारों महानगरों के पेट्रोल और डीजल के भाव आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो रोककर दोनों भाव दे सकते हैं, पेट्रोल का भी और डीजल का भी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।